हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है टफनेस। क्या नाम है? टफनेस। तो ऑलरेडी हम लोग दो दिन से पढ़ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो टफनेस भी स्ट्रेन एनर्जी है, बट इसका व्यू थोड़ा देखने का अलग है। तो इसको मैं कैसे समझना है, कैसे देखना है, बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ऑन द टफनेस। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं गाइस, तो मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम गौरव बाबू है, एज यू नो ऑलरेडी। यस, बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, काफी दिन से पढ़ भी रहे हैं। बट जो बंदे मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम गौरव बाबू है और मैं पिछले 5 सालों से भी ज्यादा से गेट और आइस की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है गौरव सर से जुड़ के कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, तो ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, ठीक है, डिटेल में मैंने बताया हुआ है। यस, और अगर आपको लगता है कि हाँ गौरव सर के साथ जुड़ के कुछ अच्छा हो सकता है, आगे हम लाइफ में बढ़ सकते हैं, तो मेरे दोस्तों ये मेरा लिंक है। यस, इस लिंक को आप फॉलो करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप लाइफ में पीछे ना रह जाएँ, ठीक है। क्योंकि हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, अप टू डेट रहते हैं हर चीज़ के साथ, अपडेट रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पीछे रहते हैं कि नहीं यार देख लेंगे बाद में। तो अप टू डेट रहना है, इसको लाइक कर दो ताकि, लिंक को फॉलो कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक। इनका प्रोफाइल यहाँ पे दिया होगा, इस तरह से आप अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से प्रोफाइल मिलने वाली आपको फैकल्टीज़ की, ठीक। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस, ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है। लाइक ये भला क्या है अनअकैडमी प्लस, तो बता दूं मेरे दोस्तों जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अनअकैडमी प्लस, क्या बोला मैंने, प्लस। अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लार्जेस्ट समझ रहे, सबसे बड़ा। इट इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जो 30 प्लस मतलब 30 से ज्यादा एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक, बोथ इन द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड लाइक IAS, IES, गेट, JEE, यस, इसके अलावा RRB, UPSC, कई सारे एग्जाम, SSC, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग, हर एग्जाम की तैयारी ये करवा रहे हैं। तो गाइज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रही हैं। तो एक बार पढ़िए, उनको चेक करिए कि हाँ वाकई में अच्छा पढ़ा रहे हैं जी, उसके बाद ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि एकदम से ज्वाइन कर लो किसी चीज़ को, पहले चेक कर लो आपको लगता है कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही आप ज्वाइन करिए, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे ये हैं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम में, आप अपने हिसाब से टाइम को सेलेक्ट करिए। लैंग्वेज मिलती है आपको आपके हिसाब से, जो लैंग्वेज आपको चाहिए उस लैंग्वेज में पढ़ाई करिए। इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, मतलब आपके पास वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कई बार, जितनी बार आप चाहो उसको देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप अपने एजुकेटर से चैट पर बात कर सकते हो, ठीक है, उनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक। पोल्स में हिस्सा ले सकते हो, इंटरेक्टिव पोल्स, मतलब क्वेश्चन देंगे फैकल्टी, उस क्वेश्चन में अपने आंसर को पुट कर दीजिए, तो फिर आंसर निकल के आएगा, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इसके अलावा मैं हमेशा अपने वीडियोज में पहले भी बोलता आया हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि बेस्ट पार्ट इज दिस, लर्न एनी टाइम एनी वेयर, मतलब जब मन करे तब पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मान लो कुछ बंदे होते हैं रात में पढ़ने की आदत होती है किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है, आपको जब मन करता तब पढ़ो। तो सबसे बड़ी खूबी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की यही है कि आपको जब मन कर रहा है और जहाँ मन कर रहा है वहाँ बैठ के पढ़ो, ठीक है, लर्न एनी वेयर एनी टाइम, ठीक गाइज। नाउ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कई तरह के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बच्चे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, तो आई विल सजेस्ट कि वो 24 मंथ के लिए जाएं या 12 मंथ के लिए जाएं, ठीक है। और जो बच्चे गेट टू टाइम 20 देने वाले हैं अभी, तो आई विल सजेस्ट कि वो 1 मंथ या 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन को लीजिए। तो जो लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, उनको फ़ायदा क्या बता दूं मैं, 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000। और 40,000 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं, 24 महीने से, तो क्या मिलेगा मुझे, 1,667 रुपये मात्र, मतलब 1,600 कुछ रुपये की फीस आएगी पर मंथ की आपकी। और वन मोर थिंग, अभी आप इस कोड को और डालेंगे, GPS लाइव JEE रेफरल कोड है, जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस कितनी रह जाएगी दोस्तों, 36,000। अब 36,000 आपकी टोटल फीस होगी 24 महीने की, इसको डिवाइड कर दो 24 से 36,000 को, तो बेटा निकल के आएगा 1,500, यानी 1,500 रुपये पर मंथ। कितना? 1,500 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको, जो कि बहुत ही कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना है। बात यह कि लें कैसे, इसके लिए गाइज आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है
और अपना जो भी सेक्शन आप चूज करते हैं गेट का, मैं तो गेट पढ़ा रहा हूँ तो मैं गेट की बात करूंगा, इसके अलावा सारे सारे एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट करा रहा है अनअकैडमी। तो जो भी एग्जाम आप चूज करते हैं, बस आपको करना क्या है, पेमेंट करने से पहले कोड याद कर लो, GPS लाइव। ये कोड आपको डालना, जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टफनेस, तो टॉपिक जो आज का है वो है टफनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको मेरे दोस्तों। तो समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टफनेस। ठीक, टफनेस की बात करते हैं। टफनेस, टफनेस क्या होती है? तो टफनेस भी स्ट्रेन एनर्जी है। यस, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू बता दूं आपको। हमने अब तक जो पढ़ा है एनर्जी के बारे में, तो हमने रेजिलेंस पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पढ़ा। ठीक है, रेजिलेंस क्या था? इट्स द इलास्टिक एनर्जी और द एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल अप टू विद इन द फ्रैक्चर पॉइंट, सॉरी विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है या स्टोर होती है बॉडी के अंदर, वो रेजिलेंस कहलाती है। और अगर उसी एनर्जी को मैं कहाँ तक ले जाऊँ, इलास्टिक पॉइंट तक ले जाऊँ, इलास्टिक लिमिट तक ले जाऊँ, तो प्रूफ रेजिलेंस बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एनर्जी। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या है? मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी। वाइल रेजिलेंस क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एनर्जी लगाएंगे इलास्टिक लिमिट से ऊपर। इलास्टिक लिमिट को हम लोग क्रॉस कर देंगे और एनर्जी उससे आगे निकल जाएगी। तो कितनी आगे निकल जाएगी? फ्रैक्चर पॉइंट तक। कहां तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो सी एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टफनेस। क्या करना है हमको? ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं मैं माइल्ड स्टील के लिए। यहां पे थोड़ा सा अनस्टेबल रीजन होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। उसके बाद गाइस ये यहाँ पे आके फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक, तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी दो पार्ट में टूट जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी। यस, फ्रैक्चर या रप्चर पॉइंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, ये वाला जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिस पॉइंट पर डेवलप होती है, दिस वन, इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, दिस द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप होती है और ये आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट है यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। यस, मोर स्पेसिफिकली अपर, तो अपर यील्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब होने क्या जा रहा, ध्यान तो सुनिए। वॉट इज द टफनेस? टफनेस क्या है? सी एवरी वन, टफनेस क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट को आपको पकड़ना है और फ्रैक्चर पॉइंट के अंदर की जितनी एनर्जी डेवलप हो रही है, जितना एरिया इसके अंदर कवर होगा, वो सारा एरिया आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि एरिया अंडर द डायग्राम आपको वर्क डन देता है, वर्क डन, और वही वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेना है। कहां तक का? फ्रैक्चर पॉइंट। माइंड इट प्लीज, बच्चे गलती कर देते हैं। कौन सा पॉइंट? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया लेना है। इस पूरे एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एरिया आपको देगा टफनेस। क्या देगा? टफनेस। क्या देगा? टफनेस। तो व्हाट इज द टफनेस? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। मैं जोर दे रहा हूं बार बार, फ्रैक्चर पॉइंट। कहां तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। अब सुनिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस को देखो जरा। अब अगर इस अल्टीमेट स्ट्रेस को मैं देखूं और ये है फ्रैक्चर पॉइंट वाली स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए। ठीक, तो ये क्या है गाइस? ये हो गई स्ट्रेस अल्टीमेट, ये वाला पॉइंट, ये रहा इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अल्टीमेट, और ये हो गई स्ट्रेस एफ। एफ का मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेस। यस, और द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। तो व्हाट आर वी सीइंग हियर, सी एवरीवन, क्या देख रहा हम लोगों को यहाँ पे? हमें देख रहा है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो फ्रैक्चर स्ट्रेस से ज्यादा है। अल्टीमेट स्ट्रेस फ्रैक्चर स्ट्रेस से ज्यादा है। तो लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको कि भाई अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब टफनेस वो वाली टफनेस क्या हो गई? टफनेस हो गई अल्टीमेट पॉइंट तक की स्ट्रेस, अल्टीमेट पॉइंट तक की एनर्जी। नहीं,
अल्टीमेट पॉइंट तक की एनर्जी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं दोबारा सुनो, मैंने बोला कि अल्टीमेट स्ट्रेस फ्रैक्चर स्ट्रेस से ज्यादा आ रही है, तो लोग इसको रट लेते हैं कि ये जो ज्यादा वैल्यू है मतलब यहां तक की एनर्जी निकाल लो, मतलब ये वाली एनर्जी निकाल लो अल्टीमेट पॉइंट तक की, तो वो टफनेस हो जाएगा। नहीं सर, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्या सही है? व्हाट इज द टफनेस? टफनेस इज व्हाट? टफनेस इज द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। समझ में आ गई गाइस बात? चलिए आगे मूव करते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट गलत आंसर है, राइट आंसर है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी क्या कहलाएगी? टफनेस कहलाएगी। चलिए आगे मूव करते हैं। लोड लोड पी डेल्टा, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको दो वीडियोस में, क्या बता चुका हूं कि दो डायग्राम बना सकते हैं हम, या तो हम बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यस, दो डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिए, एक है लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम, एक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम गिव्स द एनर्जी, जिसका आंसर जूल में आता है, और एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आ रही बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, लेट अस अज्यूम कि ये किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? फ्रैक्चर पॉइंट, एफ पी मतलब फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं। ठीक है, चाहे वो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम हो या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो। तो अब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं तो लेट अस अज्यूम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये क्या हो गया? फ्रैक्चर पॉइंट। आ रही बात समझ में? अब मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम का एरिया ले लेते हैं, तो बेटा यहां से आंसर किस में आता है? हम लोग जानते हैं जूल में आता है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया टफनेस। आंसर किस में आएगा? जूल में। अब ये एरिया लेते हैं हम लोग, तो ये एरिया क्या? ये भी फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया, ये भी टफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यहां से आंसर आएगा जूल पर मीटर क्यूब में। कल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो यहां से आंसर किसमें निकलने वाला है? जूल पर मीटर क्यूब में। तो मेरे दोस्तों याद करिए, कल हमने पढ़ा था रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। जब रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस था। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस था। याद आ रहा है? प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस था। सिमिलरली टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो एक नया टॉपिक बता दूं मैं आपको, व्हाट? मॉडुलस ऑफ टफनेस। यस, इसको बोलेंगे हम लोग एमटी। कल हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, दैट वाज द एमआर, बट हियर दिस इज द एमटी, मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस? मॉडुलस ऑफ टफनेस इज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ टफनेस इज पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बताया कि टफनेस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। नया क्या है? व्हाट इज द न्यू थिंग? वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से क्वेश्चन के बाद, भी आपको क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टफनेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमने ये कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टफनेस इज व्हाट? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, नो डाउट है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, कैसे मैं उसको चेक करूं?
गेटिंग माय पॉइंट? कैसे मैं उसको देखूं, फील करूं, मतलब क्या समझिए ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि सर हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या है, तो आप उसको फील कर सकते हो कैसे? फॉर एग्जाम्पल रबड़ की बात करें और आप एक सुई ले लो, सुई समझते हो, सुई, एक सुई ले लो, रबड़ ले लो, अब रबड़ पर सुई को मारो, व्हाट विल हैपन? वो सुई उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी, तो हम बोलते हैं कि रबड़ एज अ सॉफ्ट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? सॉफ्ट। अब एक स्टील ले लो, स्टील के अंदर सुई को घुसेड़ो, घुसेगी? नहीं घुसेगी, क्यों? क्योंकि स्टील एक तरह से हार्ड मटेरियल है। या मैं बोलूँ कि आप कास्ट आयरन ले लो, उसमें भी नहीं घुसेगी। तो सॉफ्टनेस हार्डनेस को हम लोग फील कर पाते हैं, टफनेस को हम आज तक फील ही नहीं कर पाए कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टफनेस, टफनेस आखिर बला क्या है? लोग गलत गलत डेफिनेशन देते हैं कि भैया स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वो टफनेस है, ये ज़्यादा हो वो टफनेस है। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने अभी तक पढ़ा है टफनेस के बारे में, आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ भी नया नहीं किया मैंने। बता, ये जरूर मैंने बता दिया होगा शायद कुछ लोगों को, जो अल्टीमेट पॉइंट अब तक समझ रहे थे वो गलत है। कहाँ तक की एनर्जी है? फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी अगर हम निकालें तो वो टफनेस को बताती है। तो दोस्तों, ये तो था टफनेस के फॉर्मूले के बारे में या उसकी डेफिनेशन के बारे में। एक्चुअली क्या होती है टफनेस, कैसे उसको मैं फील करूं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तब तक आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सी एवरीवन, व्हाट इज द न्यूमेरिकल? एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है आपको इस तरह से। ये कोई टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसी एक मटेरियल का, ठीक है? और इस वाले एक्सिस पर स्ट्रेस दी हुई है मेगा पास्कल में, और इस वाले एक्सिस पर स्ट्रेन दी हुई है एमएम पर एमएम में। मैंने बताया था बेटा स्ट्रेन की यूनिट होती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है ना किस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है आपको। अब साफ साफ दिख रहा है ये किसी मटेरियल का डायग्राम है ना, टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है एक। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों? ये पॉइंट हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट, ई एल बोल दिया मैंने इसको। और ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट, एफ पी बोल दिया मैंने इसको। आ रही बात समझ में? तो देखिए मेरे दोस्तों, फ्रैक्चर पॉइंट पे जो स्ट्रेस दे रखी है आपको, वो दे रखी है 120। इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस आपको दे रखी है, वो दे रखी है 70, ठीक है? और इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेन दे रखी है, वो दे रखी है 0.08, ठीक है? और फ्रैक्चर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन दे रखी है, वो दे रखी है 0.12। कितनी दे रखी है? 0.12। आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो आप। क्वेश्चन है, आपको बताना है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये बताना है, और आपको बताना है मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये दो चीज आपको बतानी है, ठीक है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक? बताना है किसमें, वो भी समझ लो। आपको ये बताना है मेगा जूल पर मीटर क्यूब। यूनिट किसमें बतानी है आपको? मेगा जूल पर मीटर क्यूब। मेगा जूल पर मीटर क्यूब में मुझे आंसर चाहिए। सारे लोग करिए फटाफट आंसर बताइए, हरी अप, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक मैं मैसेज चेक कर लूं किसका क्या मैसेज आया है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, क्या आने वाला है? मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, दो चीजें आपको बतानी है। गाइज, अगर मैं यहां तक का एरिया निकाल लूं, तो ये क्या देगा मुझे? इलास्टिक लिमिट तक का एरिया ले रहा हूं मैं, इलास्टिक पॉइंट तक का एरिया ले रहा हूं। इलास्टिक पॉइंट तक का एरिया क्या देता है मुझे? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या देता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो चलिए गाइज, करता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। नाउ इसको बोल देता हूं एरिया वन, ये वाला एरिया बोल देते हैं हम लोग
एरिया टू और ये वाला एरिया बन जाएगा एरिया थ्री, ठीक है, ये एरिया वन, एरिया टू और एरिया थ्री। तो एरिया वन क्या दे रहा है हमें, एरिया वन हमें दे रहा है यहां तक का एरिया हो गया, ये लास्ट लिमिट तक का एरिया क्या देगा मुझे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। वहीं अगर मैं टोटल एरिया निकाल लूंगा सारा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, वन मोर थिंग लिसन एवरी वन, मैंने क्या बोला, व्हाट इज द टफनेस, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मेटल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक की टोटल एनर्जी, मतलब की पूरी फ्रॉम जीरो टू फ्रैक्चर पॉइंट। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इलास्टिक लिमिट वाली लेनी है कि नहीं लेनी, बिल्कुल लेनी है, ऐड होनी है वो भी। कुछ लोग क्या करते हैं इलास्टिक लिमिट वाली को हटा देते हैं, ये वाला और ये वाला एरिया निकाल लेंगे, गलत हो जाएगा आंसर। मॉडुलस ऑफ टफनेस का मतलब है कि पूरी एनर्जी, पूरी फ्रॉम जीरो ओरिजिन से लेके फ्रैक्चर पॉइंट तक की टोटल एनर्जी, जिसमें इलास्टिक एनर्जी को भी आपको ऐड करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से, किसी ने किया फटाफट बताओ, नहीं चलो मैं करता हूं। तो सबसे पहले एरिया वन निकालते हैं, ये वाला एरिया वन ए वन, इधर वाला एरिया इलास्टिक लिमिट तक का एरिया। तो बेटा एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, क्या बनेगा, हाफ हाफ इंटू बेस इंटू स्ट्रेस, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.08 इंटू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 70 यहां पे 0, तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 70, तो इंटू 70, तो ए वन कितना आ गया 70 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पहले, कितना हो जाएगा ये 70 इंटू 0.08 है ना, यस 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2.8, कितना आ गया 2.8, ये सॉल्व हो गया, आ गया 2.8 आ गया दोस्तों। अब ये 2.8 आ गया, मुझे ये बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट को रटना नहीं है, मेगा पास्कल दे रखी है, मेगा पास्कल, तो यहाँ लिख दिया मैंने मेगा पास्कल, है ना, स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल, और यहाँ दे रखी है एमएम पर एमएम, एमएम पर एमएम, ठीक है दोस्तों। अब यूनिट को समझ लो एक बार, ये एमएम पर एमएम आ गई, कुल मिला के 2.8। अब मेगा पास्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा पास्कल को हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक मिनट के लिए, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मेगा पास्कल एक ही बात है, पहले ही बता चुका हूँ, और ये हो गया एमएम पर एमएम, ठीक है दोस्तों। तो देखो जरा क्या बताने जा रहा हूँ मैं, ये हो गया 2.8 एज इट इज, ये हो गया न्यूटन इनटू एमएम, और नीचे कितना आ गया एमएम क्यूब आ गया। आंसर किस में पूछा है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में। तो देखो दोस्तों 2.8 एज इट इज लिख दिया मैंने, अब न्यूटन को न्यूटन छोड़ दिया मैंने, और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन मीटर, और इनटू कर दिया 10^-3 से, तो ये क्या बन गया, ऊपर न्यूटन मीटर बन गया, एमएम को कन्वर्ट कर दिया इस वाले एमएम को मीटर में, ठीक है। नाउ एमएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10^-9, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, सिंपल। तो यहाँ से आ गया 2.8। अब सुनते जाना सारी कहानी कहाँ है, 10^-9 को ऊपर लेकर क्या बन गई, 10^9 बन गई, इंटू 10^-3 पहले से है ये रहा, और यहाँ क्या बचा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, यही बचेगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया 2.8 इंटू, सी एवरी वन, 10^9 इंटू 10^-3 कितना बचेगा 10^6, और यहाँ बचेगा न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, और नीचे आ गया मीटर क्यूब। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, सीधे चुपचाप से सॉल्व करता जा रहा हूं। तो फाइनली सी एवरीवन, फाइनली अब 10^6 को क्या बोलते हैं, 10^6 को बोलते हैं मेगा, क्या बोलते हैं मेगा, तो क्या अंतर आ गया 2.8 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, और इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो ऑलरेडी कितना आ रहा था 2.8 ही आ रहा था, तो कुल मिला के ऑटोमेटिकली यूनिट किस में आ रही है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में ही आ रही है, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना मेगा पास्कल का और एमएम पर एमएम का, मेगा पास्कल का और एमएम पर एमएम का, तो ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है आंसर, मेगा जूल पर
मीटर क्यूब में आ रहा है जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यूनिट किस में आ रही है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में ही आ रही है। ठीक है, तो चलो गाइज ये आ गया हमारा, यानी A1 क्या हो गया, A1 हो गया इलास्टिक लिमिट तक का एरिया, A1 हो गया इलास्टिक लिमिट तक का एरिया। और कौन सा डायग्राम पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या बताता है हमें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताता है, इसलिए आंसर किस में आ रहा है, जूल पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो यही हमारा क्या बन गया, यही बन गया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। दिस इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, MR की वैल्यू आ गई 2.8 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। नाउ अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला, तीनों एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए गाइस व्हाट इज द एमटी, मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। एरिया 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि कितना आया है 2.8 मेगा जूल, यही आया दोस्तों। अब निकालते हैं हम कौन सा एरिया, बैक कर लेते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं हम लोग 2। तो 2 वाला एरिया क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 0.120 में 80 के तो कितना बचेगा, 0.4 इतना ही बचेगा। ठीक है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ 0.12 माइनस 0.08, तो 0.04 बचा। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बची 0.04, और ये कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 70, तो कितना बन गया। और ये एक रेक्टेंगल है, ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, ये वाला एरिया दूसरा वाला एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो गाइज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिख कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ए टू को क्या लिख दिया, 70 × 0.04। और अब यूनिट लिखने की मुझे बार बार जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आंसर ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में आ रहा है। चलिए अब बच एक एरिया और बचता है गाइज, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला एरिया देखिए, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना आ रहा है वाला, ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल एरिया 3, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका बेस कितना है, बेस है 0.04, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 120 में से 70 को माइनस कर दो तो 120 में से 70 गए तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 50, बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा 50। तो फाइनली A3 कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस, बेस है 0.04 इंटू हाइट कितनी है 50। अब इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, यह आ गया 2.8 पहले से है, ये आ गया 2.8 एरिया 2, और प्लस वो आ जाएगा 1, ये आ गया 1। ठीक है, और सबको ऐड कर देते हैं अब, तो 6.6 एमटी कितना आ गया, 6.6 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस, खत्म। तो आई दोस्तों बात समझ में, तो कुल मिला के फाइनली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुन ले, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ टफनेस है वो फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इलास्टिक पॉइंट तक की एनर्जी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल के आने की संभावना है गेट में, तो इसको समझ लेना। ठीक है, ऑलरेडी इसमें आंसर किस यूनिट में आ रहा है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब में आ रहा है, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात टफनेस को समझने की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एक बार फिर से गाइज, अब से मैं जो लेक्चर लूँगा वो थोड़े शॉर्टर लेंथ के लूँगा, मतलब 30 से 40 मिनट के बीच के लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, और उसमें मैं केवल स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि गेट का पेपर अप्रोच कर रहा है, तो मैं ज़्यादा मतलब वास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, थोड़े कुछ समय के लिए मैं इस तरह से मैंने सिलेबस को डिजाइन किया कि आपको मैं वो टॉपिक दूँ जो गेट के लिए प्रोबेबल है और आपकी समझ में आए, और इसके अलावा इंटरव्यू में आपकी हेल्प मिले। आर्गेटिंग में इंटरव्यू में हेल्प मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि गाइज ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जहाँ पे बच्चा फंस जाता है, रट लेता है कि अल्टीमेट पॉइंट तक की स्ट्रेस को वो टफनेस समझ लेता है। नहीं, टफनेस कहाँ तक की एनर्जी है, टफनेस एनर्जी है अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट, बॉडी के फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। समझ में आ रही मेरे दोस्तों बात, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि अब मेरे जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो थोड़े से कम लेंथ के आएंगे, लेकिन क्वालिटी वाले आएंगे, क्वालिटी होगी। टॉपिक ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि जो आपको समझ में नहीं आता हो कहीं भी, वो आप समझ में आएगा। ठीक है, तो छोटे टॉपिक रखूंगा ताकि आप जल्दी पढ़ लें, और इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि गाइज आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
तो इसीलिए मैं छोटे अपने सब्जेक्ट की लेंथ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मतलब 30 से 45 मिनट के बीच में रेंज रहेगी, स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी FM भी लेने वाला हूँ, लेकिन FM में पूरा डिटेल में नहीं लूँगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, और उसमें केवल क्रैश कोर्स कराऊंगा आपको सारे A to Z 2000, मतलब जितने भी 30 साल के क्वेश्चन है गेट के सारे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो आप उसमें मेरे डाउट सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा वन मोर थिंग, प्लीज़ मेरे लेक्चर अब अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लासेज में देखना चालू कर दो। स्पेशल क्लासेज में बेटा फ्री लेक्चर्स हैं, ठीक, तो वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक नॉलेज अबाउट द डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे जो मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा था आपको, वो अब मैं स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, तो स्पेशल क्लास को भी देखना चालू कर दो, ताकि चीज़ें इंटरलिंक चलती रहें, जैसे कि टफनेस। अब टफनेस मैं आपको फिजिकली कल समझाऊंगा, तो जब मैं टफनेस समझाऊंगा तो उसके लिए आपको डक्टाइल और बिटल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए प्लीज़ स्पेशल क्लास देखना भी चालू कर दो। आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़, स्पेशल क्लासेस भी फ्री हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, गौरव सर ठीक पढ़ा रहे हैं, तब आप ज्वाइन करिएगा, इट्स अप टू यू, बाकी आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन जो फ्री क्लास चल रही है उनको मिस मत करो, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, 30 मिनट्स का ही केवल, 30 to 35 मिनट्स का। कल मैं आगे टफनेस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाऊंगा, तो डोंट मिस टुमारोज क्लास, माइंड इट प्लीज़, कल की क्लास मिस नहीं करनी है। टफनेस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को आपको समझाने वाला हूँ, कि टफनेस को हम देखें कैसे, आखिर इसको हम कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो टफनेस क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी है, बाकी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया, को इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। और प्लीज़ डायग्राम इस तरह से आएगा क्वेश्चन पेपर में, पूछेगा निम्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द टफनेस, तो कुछ इस तरह से देखो दिए होंगे चीज़ें आपको, वो यहाँ तक की एनर्जी दे देगा, वो यहाँ तक की एनर्जी दे देगा, वो यहाँ तक की एनर्जी दे देगा, नहीं तीन चार डायग्राम वो दे देगा या वो यहाँ तक की एनर्जी दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी टफनेस है, सारे आंसर गलत हैं अभी फिलहाल। कहाँ तक की एनर्जी चाहिए हमें, फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी, तो याद रखेंगे डायग्राम, जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द टफनेस, टफनेस को वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द टफनेस, तो याद रखना फ्रैक्चर पॉइंट तक की एनर्जी को टफनेस बोलते हैं, अल्टीमेट की एनर्जी को टफनेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी मैंने आज बताया उसको समझ लो, ठीक है, और कल का लेक्चर मिस मत करना, टफनेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाने वाला हूँ कि टफनेस को देखें कैसे, ठीक है। तो लव यू ऑल, जाइए मजे करिए, मुलाकात होगी कल, और जाने से पहले अगेन फिर बोलना चाहूँगा, क्या समझ गए होंगे, लाइक बेटा जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसके अलावा इस कोड को डाल दो GPS लाइव, ताकि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं उनको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय गाइज़।